सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज की कहानी पर जाने से पहले आप सबसे निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। धन्यवाद। आज की कहानी प्रेरितों की किताब में 3 अध्याय से है, जहां पर पतरस और यहूना एक जन से लंगड़े व्यक्ति को चंगाई देते हैं। ये चंगाई प्रेरितों द्वारा पहली चंगाई थी, क्योंकि जब चेले प्रभु यीशु के साथ साथ रहते थे तो वे सब प्रभु यीशु द्वारा चंगाइयों को देखते थे। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण होता है तो प्रभु के चेलों ने एक बहुत बड़ा चमत्कार किया था, जिसका वर्णन 3 अध्याय में आता है। इस कहानी से हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये उस समय की बात है जिस समय आरंभिक कलीसियाएं लगनी शुरू हो गई थी और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। उन आश्चर्य कर्मों में से एक का वर्णन लूका ने 3 अध्याय में दर्ज किया है। हम सोचते हैं कि प्रेरितों के द्वारा चिन्ह और अद्भुत काम प्रकट होते थे, लेकिन पवित्र आत्मा ने अध्याय 3 में एक लंगड़े की चंगाई की घटना को दर्ज क्यों कराया? शायद इस चंगाई से यहूदी अगुओं पर विपरीत असर पड़ा था और यहीं से ही मसीहों की भी परिस्थिति बदलनी शुरू हो जाती है। प्रभु यीशु ने जो यूहन्ना 15:20 में कहा था, वही सत्य होना शुरू हो जाता है। वहां प्रभु यीशु ने अपने चेलों से बोला था, यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। प्रेरितों के 3 अध्याय में उस लंगड़े की चंगाई के बाद से ही सभी प्रेरितों पर सताव आना शुरू हो गया था। प्रेरितों के 3 अध्याय में हम देखते हैं कि किस प्रकार पतरस और यहूना ने उस लंगड़े को चंगा किया। जैसे 3:1 में लिखा है, पतरस और यहूना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। 30वें पहर अर्थात दिन के 3 बजे के बाद यरूशलेम के मंदिर प्रार्थना करने को जा रहे थे। पतरस और यहूना, ये दोनों प्रभु के ऐसे शिष्य थे जो साथ साथ रहते थे। ये दोनों इकट्ठे ही मछलियों को पकड़ा करते थे। ये दोनों एक साथ प्रभु यीशु के पीछे हो लिए थे। प्रभु के 12 प्रेरितों में से ये दोनों प्रभु के प्रिय शिष्य बन चुके थे। इन दोनों ने ही अंतिम फसल के पर्व की तैयारी की थी। ये दोनों ही सबसे पहले प्रभु यीशु की कब्र पर इकट्ठे पहुंचे थे। तो आज भी इस कहानी में ये दोनों इकट्ठे ही मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। ऐसा क्या कारण था कि पतरस यहूना तीसरे पहर प्रार्थना करने को ही क्यों जा रहे थे? हम सोचते हैं कि इस समय पर ज्यादा लोगों की भीड़ मंदिर में जमा होती होगी और ये समय सही था कि वो प्रभु यीशु के जी उठने का प्रचार प्रसार कर सकते थे। हालेलुया। और जैसे ही हम अगले वचन को पढ़ते हैं तो हमारे सामने एक अलग दृश्य प्रस्तुत होता है। वचन 2 में लिखा है, और लोग एक जन के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। इतिहासकारों का कहना है कि मंदिर के पवित्र भाग में जाने के लिए 9 द्वार थे, जिसमें से 8 द्वारों की लंबाई 45 फुट थी और जो 9वां द्वार था उसकी लंबाई 75 फुट की थी। ये द्वार सोने व कांस्य का बना हुआ था। ये 9वां द्वार बाकी के 8 द्वारों से मुख्य द्वार था और सबसे सुंदर था। इस द्वार की खूबसूरती देखने लायक थी, तभी तो उस द्वार को सुंदर द्वार कहते थे। वचन 2 में भी लिखा हुआ है कि वे उस लंगड़े को उस सुंदर द्वार पर बैठा देते थे। वह लंगड़ा व्यक्ति हर रोज द्वार के पास बैठा रहता ताकि आने जाने वालों से भीख मांग सके। वह तो जन से लंगड़ा था, जन से ही उसके पैरों में कोई जान नहीं थी। शायद वह दोनों पांव से अपंग था या उसके दोनों पांव की मांसपेशियां अभी विकसित नहीं हुई थी। वह जन से ही अपंग पैदा हुआ था और लगभग 40 वर्ष की उसकी आयु थी। उसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे होंगे और शायद लोग उसकी टांगों की तरफ देखकर रहम करके उसको भीख दे देते होंगे। ये कोई संयोग की बात नहीं थी कि पतरस और यहूना ने उसको चंगा किया। पतरस और यहूना उस लंगड़े के पास से सैकड़ों बार गुजरे होंगे, लेकिन कई बार ऐसे भी अवसर आए होंगे जिसमें वह उस लंगड़े को चंगा कर सकते थे। शायद उस समय परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि वह चंगा हो, लेकिन आज समय आ चुका था कि वह चंगा होगा, क्योंकि इतने लंबे समय से वह वहां पर पड़ा रहता था और उसको हर कोई जरूर जानता होगा और उसका चंगा होना हर एक के लिए आश्चर्यचकित अवश्य होगा। आज तो उसका चंगे होने का समय आ चुका था, लेकिन वह लगड़ा नहीं जानता था कि वह चंगा किस प्रकार से होगा।
उसे तो अपने चंगा होने का भी पता नहीं था, उसे तो बस एक ही काम का पता था। वह काम था केवल और केवल भीख मांगना। भीख मांग कर वह अपना गुजारा चलाता था। भीख मांग कर जो पैसे इकट्ठे होते उनको अपने घर वालों को सौंप देता था। उसकी जिंदगी में यही काम था। लेकिन एक दिन उसका टकराव प्रभु यीशु के चुने हुए दो शिष्यों के साथ होता है, जिनका नाम पतरस और यहूना था। वह लंगड़ा हर रोज की तरह लोगों से भीख मांगता था। उसी प्रकार से उस लंगड़े ने प्रभु के उन दोनों शिष्यों से भी भीख मांगी। वचन 3 में लिखा है, जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। तो क्या उन दोनों ने अन्य लोगों की तरह उस लंगड़े को पैसे दिए? नहीं, उस लंगड़े के भीख मांगने पर पतरस और यूहन्ना ठहर कर उस लंगड़े की ओर देखने लगे और उस लंगड़े से बोलने लगे कि हमारी ओर देख। सो वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। एक ऐसे व्यक्ति को जो जन्म से लंगड़ा था, ये निर्देश देना एक अजीब सा प्रतीत होता है। लेकिन पतरस ने इसे वही नहीं छोड़ा। पतरस ने उस आदमी का दाहिना हाथ पकड़ा और उसे ऊपर खींच लिया और तुरंत उस आदमी के पैर और टखने मजबूत हो गए। वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया और चलने लगा। वह चंगा व्यक्ति पतरस और यूहन्ना के साथ मंदिर के प्रांगण में चलने लगा। वह न केवल चल रहा था बल्कि छलांग लगा रहा था और परमेश्वर की स्तुति कर रहा था। जब उस मनुष्य ने अपने पैरों का सदुपयोग किया तो हलचल मच गई और मंदिर में सब लोगों ने उसे चलते उछलते और परमेश्वर की स्तुति करते देखा। भीड़ को पता चला कि यह वही लंगड़ा आदमी है जो द्वार पर बैठा हुआ भीख मांगता था, और वे चकित रह गए और सोचने लगे कि यह ठीक कैसे हुआ। पूरे मंदिर की भीड़ आश्चर्यचकित होकर उस लंगड़े की ओर देख रही थी। तब पतरस ने उस मौके का फायदा उठाया और वहां प्रभु का दूसरा महान उपदेश दिया। पतरस ने समझाया कि वह व्यक्ति अपनी योग्यता से नहीं बल्कि यीशु मसीह के नाम से ठीक हुआ था। पतरस ने साहस पूर्वक घोषणा की कि यीशु परमेश्वर की ओर से आया है। फिर भी लोगों ने उसे अस्वीकार कर दिया और उसे मार डाला। परंतु अब भी मसीह यीशु में अपना मन बदलने और विश्वास के साथ उसकी ओर मुड़ने का अवसर है। तो फिर तुम पश्चाताप करो, और अगर तुम परमेश्वर की ओर फिरोगे तो तुम्हारे सारे पाप मिट जाएंगे, ताकि तुम्हारे जीवन में शांति का समय आ सके। यरूशलेम के लोग वही देख रहे थे जो सभी भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की थी। हम उस आदमी से सीख सकते हैं जो चल और उछल रहा था और परमेश्वर की स्तुति कर रहा था। उसने परमेश्वर की कृपा का धन्यवाद से उत्तर दिया। लुका ने इससे पहले एक उदाहरण और बताया था, जब यीशु ने 10 लोगों को ठीक किया जिन्हें कोढ़ का रोग था, फिर भी उनमें से 9 ने कोई धन्यवाद नहीं दिया और प्रभु ने उनके लिए जो किया उसके लिए उसकी स्तुति नहीं की। लेकिन उनमें से एक व्यक्ति ऊंचे स्वर से परमेश्वर की महिमा करते हुए यीशु के पास लौट आया। यीशु ने उस व्यक्ति के विश्वास के लिए उसकी सराहना की थी। वह व्यक्ति जो कोढ़ से ठीक हो गया था इतना आभारी था कि उसने ऊंचे स्वर से परमेश्वर की महिमा की। उसी तरह से जो लंगड़ा आदमी प्रेरितों के काम 3 में चल रहा था, छलांग लगा रहा था और प्रभु की स्तुति कर रहा था, उसी तरह आभारी था और उसने इसे अपने उत्साह से दिखाया और वह कैसे परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद देकर महिमा व्यक्त कर रहा था। जैसा कि हम इस बात पर विचार करते हैं कि यीशु मसीह ने अपने विश्वास के माध्यम से अनुग्रह द्वारा हमें बचाने में हमारे लिए क्या किया है, क्या हम अपना आभार व्यक्त करते हैं और उसे स्वीकार करते हैं, उसे महिमा और प्रशंसा देते हैं? यदि नहीं, तो हमने उस आदमी से कोई महत्वपूर्ण सबक नहीं सीखा है जो मंदिर में चल रहा था, उछल रहा था और परमेश्वर की स्तुति कर रहा था। तो हमें हमेशा प्रभु यीशु की बड़ाई, स्तुति और महिमा करते रहना चाहिए। उस लंगड़े आदमी की तरह हम में से बहुत लोग कहीं ना कहीं अपंग जरूर हैं, चाहे वो हमारा बिजनेस, व्यापार, घर गृहस्थी, कमजोरी, श्राप, दुख, तकलीफ आदि कुछ भी अन्य हो सकता है, जबकि प्रभु हमें आत्मिक चंगाई और इन सब से हमें छुटकारा दे सकता है। यीशु के नाम से चंगा करने की शक्ति और पापों से छुटकारा देने की शक्ति आज भी है। यदि आपने उसके पवित्र नाम का अंगीकार नहीं किया और उसके नाम में बपतिस्मा नहीं लिया, तो अब भी समय है कि आप भी उस लंगड़े की तरह उछलते कूदते हुए
उसकी महिमा को प्रकट करके इन सब बंधनों से छुटकारा पा सकते हैं। धन्यवाद, हालेलुया, सबको जय मसीह की।